प्रिय मित्रों, आज भक्त प्रहलाद का राज्याभिषेक और त्रिपुरासुर का वध की कथा हम आपको सुनाएंगे कि नारद जी बोले युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, बाल भक्त प्रहलाद की इस भक्ति को देखकर नरसिंह भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वत्स प्रहलाद, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अवश्य जो मेरे अन्य भक्त हैं उन्हें अभिलाषाएं नहीं फंसाती। इस लोक की इच्छाओं को कौन कहे, वे परलोक की भी अभिलाषा नहीं करते। तब भी मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम इस मनवंतर भर यहाँ रहकर दैत्योसुरों के योग्य भोगों का भोग करो। किंतु देखो, यह संसार जो है बड़ा कंटका किरण है, इसमें सर्वथा सावधान रहना। यहाँ मुझे स्मरण करते हुए तुम कुछ काल तक रहो और यज्ञादिक शुभ कर्मों को ही करना। इससे यह होगा कि तुम मुझ में आ मिलोगे और तुमने अभी जो मेरी स्तुति की है, इस स्त्रोत का जो स्मरण करेगा वह सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हे महाबाहो, नृसिंह जी ने ऐसा कहा तब उसी समय प्रहलाद जी बोले, हे महेश्वर, आप सर्वसमर्थ हैं। इससे मैं आपसे अब एक बार यह मांगता हूँ कि मेरे पिताजी ने जो अपनी अज्ञानता बस आपका तिरस्कार किया है, उनके उस पाप को आप क्षमा करें। यद्यपि आपके दर्शन से ही वे पवित्र हो चुके हैं, किंतु वे मेरे पिता थे, इस कारण मेरा आपसे यह अनुरोध अवश्य है। भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम इसकी चिंता न करो। तुम अपनी एक पीढ़ी के लिए क्या कहते हो, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारी 21 पीढ़ियों को तार दिया है। मेरे भक्तों के निकट कोई विकार नहीं आते, फिर तुम तो मेरे भक्तों में सर्व शिरोमणि हो। हे वत्स, तुम्हारा पिता मेरे अंगों को स्पर्श पाते ही उत्तम लोकों को प्राप्त हो गया। अब तुम जाकर उसके सब मृतक कर्म करो, इसके पश्चात उसके राज पर अधिष्ठित होकर मुझ में तत्पर रहकर समस्त कार्यों को करो। श्री नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जब नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को ऐसा आदेश दिया, तब उन्होंने भगवान के कथनानुसार पिता के मृतक आदि कर्म समाप्त किए। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। उसे देख नृसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और देवगण पवित्र वाणियों में उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने जो हाँ शुरू से ही मौजूद थे, अलग ही एक बृहद स्तुति की, जिसे सुनकर नृसिंह भगवान ने कहा, यह सब आप ही की माया है। अब तुम दैत्यों को ऐसा वर मत दिया करो। उसके पश्चात प्रहलाद ने ब्रह्मा, शिव, प्रजापति और सब देवताओं का पूजन कर उन्हें सिर से प्रणाम किया। अनंतर शुक्र इत्यादि मुनियों सहित ब्रह्मादि ने उनकी पूजा को स्वीकार कर प्रहलाद को सब दैत्यों और दानवों का राजा बनाया और आशीर्वाद देकर अपने लोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार जो सनक सनंदन का साप था, उसके कारण दूसरे जन्म में वही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु, कुंभकर्ण और रावण के नाम के राक्षस हुए, जिनका त्रेता में श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर वध किया था। तब वही तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र हुए, जिन्हें श्री कृष्ण जी ने मारकर इनका उद्धार किया। हे युधिष्ठिर, तुमने शिशुपाल आदि कृष्ण के शत्रुओं की सायुज मुक्ति पूछी थी, उसे मैंने पूर्ण रूप से कहा। जो इस नृसिंह लीला को पढ़ता या सुनता है, उन्हें किसी का भय नहीं रहता है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि हे महर्षि, मैं नामक दानव दोष था, वो किस प्रयोजन से जगत के स्वामी श्री महादेव जी की कीर्ति को मिटाना चाहता था और किस प्रकार भगवान ने फिर उसे बढ़ाया था, यह सब कथा भी मुझसे कही है। नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एक समय इन्हीं श्री कृष्ण जी का बल पाकर देवता बड़े बली हो गए थे और उन्होंने दैत्यों को परास्त कर दिया था। तब सारे दैत्य मिलकर दानव राज मय की शरण में गए और प्रार्थना किया कि आप हम लोगों को रहने के लिए ऐसा कोई स्थान निर्मित कर दीजिए जिसे देवता ध्वंस न कर सके। तब उसने दैत्यों के लिए तीन बड़ी ही दृढ़ पुरियों का निर्माण किया, जिसमें एक सुवर्ण की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की थी। इनमें आने जाने का मार्ग कोई जान न सकता था और न यही जान सकता था कि इसमें कितनी संपदा भरी हुई है।
इस पुरी को पाकर दैत्य बड़े ही बलशाली हो गए और सब देवताओं को सताने लगे। बहुत कष्ट मिलने पर देवता शिव जी की शरण में गए। शिव जी अपने धनुष पर बाण रखकर उनकी तीनों पुरियों को घेर लिया। दैत्य निर्जीव हो आहत होने लगे, परंतु वे इतने मायावी थे कि उन्होंने अपने यत्न से अमृत का एक कुआं बना लिया था और उसमें मृतकों को छोड़कर जिला लिया करते थे, जिससे शिव जी का संकल्प जो था वो व्यर्थ हो गया। तब शिव जी को विफल हुआ देख विष्णु भगवान उठे और उन्होंने गौ का रूप धारण करके दैत्यों के त्रिपुर को प्रस्थान किया और दैत्यों के कूप पर जाकर उसका सारा अमृत पान कर लिया। दैत्य देखते ही रहे और भगवान की माया से वे कुछ कर न सके। इधर विष्णु जी शिव जी के पास आकर उनके युद्ध की सारी सामग्री ठीक कर दी। शिव जी सब प्रकार सज्जित हो दैत्यों से युद्ध करने लगे। उनके अग्निवत बाणों से अब दैत्यों के तीन दुर्गम गढ़ ध्वस्त होने लगे। यह देखकर आकाश से देवताओं ने नगाड़े बजाए और उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। थोड़ी देर में शिव जी ने दैत्यों की तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि।